representing India. Silver medalist representing India. Sena Nehwal. जो देश के लिए स्वर्ण पदक जीतते हैं, देश को किसी भी क्षेत्र में नंबर वन पोजीशन पर लेकर जाते हैं, सरकार और प्रशासन उन्हें खुले हाथों से पुरस्कारित करती है, सम्मानित करती है। इन नेशनल हीरोज को अच्छी नौकरियां प्रदान की जाती हैं, फ्लैट्स दिए जाते हैं, सहूलतें दी जाती हैं, और ये सब कुछ उन्हें मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन देश के कुछ ऐसे बहादुर बेटे और बेटियां भी हैं जिनकी देशभक्ति, साहस और बहादुरी के कारनामे सरकार, मीडिया और समाज तीनों की याददाश्त से ओझल हो जाते हैं, गुमनामी की धुंध में गायब हो जाते हैं। बोला ना तुम दोनों को, साहब जी ऑफिस में नहीं है। तू कब लौटेंगे? ये तो बता नहीं सकता, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने भी लग सकता है। अरे दादा जरा संभाल के। हाँ उतारी उतारी उतारी। हाँ जरा हाथ लगे आराम से। देखिए देखिए गिरे ना, कांच का चीज है। हाँ लेके आइए। हाँ ये लेके आइए लेके आइए। अरे इधर से चलिए। आ गया। चलिए चलिए। आराम से, अपना मंटू है। सुपंदा एज एन पीटी टीचर है मृणाल ब्रह्मसूरी। आजकल बहुत खरीदारी हो रही है घर में, टीवी, फ्रिज और पता नहीं क्या क्या। कितना मांग सकते? 5 तो आराम से दे सकते। चीरू गोपी एक काम तुम दोनों करोगे, आराम परसों तक पैसे हाथ में आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा देर नहीं हो सकती, हमारी गोलियां खत्म होने को आई है। ये मोबाइल नंबर है मृणाल ब्रह्म चौधरी का, थोड़ा संभाल कर। हाँ वो थोड़ा पहलवान टाइप आदमी है। मधुदा अंदर रबर था लेदा था, जब सुमित सर ने मुझे कंपास बॉक्स दिया था अब सब कुछ था इसमें, आपने छुआ ही क्यों? तुम दोनों दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हो क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए बस। माँ दादा ने मेरे कंपास बॉक्स में से मेरा रबर घुमा दिया। ये बकवास कर रहा है, मैंने छुआ तक नहीं इसके रबर को। दादा ने मेरा ही कंपास को। बस बस रतन यही कहीं होगा रबर, मैं ढूंढ लूंगी। तुम चलो स्कूल जाना है ना, बहुत देर होगी। चलो अगली बार अगर मेरा कंपास बॉक्स छुआ तो देख लूंगा तुझे, पहले अपनी शक्ल जाके आईने में देख। हाँ ठीक है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। अरविंद अरे रतन चल दौड़ लगेगा, चल 1 2 3। मैं पहले आया। क्या बेटा बस यहीं पर हाँपने लगे? तुम्हारे घर से स्कूल सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे और तुम्हारा ये हाल है? Come on fast school, क्लास में जाओ। चलो 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 शाबाश, चलो क्लास में जाओ। हेलो हेलो ब्रह्म चौधरी। हाँ बोल रहा हूँ। 5 लाख रेडी रखना, काला मारे। 5 लाख? कौन बोल रहा है? ALG। लेकिन मैंने तो किसी तरह की कोई मुखबरी नहीं की है। पैसा नहीं देगा तो गद्दारी होगी हमारे साथ।
सारे असम संघर्ष के साथ, और गद्दारों को हम जड़ से उखाड़ फेंकते हैं पूरे परिवार के साथ। नहीं नहीं, कल सुबह 5 लाख। सन 2004 उत्तर पूर्वी राज्य आसाम में अलगाववादी शस्त्र संगठनों के बीच पावर स्ट्रगल अपनी पीक पर था। अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग द्वारा होती थी। अलगाववाद का रास्ता चुनने वाले ये युवक 24 घंटे सुरक्षा बल से लड़ रहे थे। उन्हें हर वक्त फंडिंग की जरूरत होती थी, हथियारों के लिए, खबरियों के लिए, बेसिकली जिंदा रहकर लड़ने के लिए। राजधानी गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर कामरूप जिले में डाकुआपाड़ा गांव पड़ता है। वहां के एक स्कूल के पीटी टीचर को ALG नामक अलगाववादी गुट से 5 लाख रुपए की मांग आई और उसे पूरा करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया। से ऐसा कितना बच्चा है जो ये मानता है कि पृथ्वी गोल नहीं है? नहीं सर, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है? हाँ। तो फिर यहाँ पर रहने वाले सभी लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते? अरविंद, आप बेंच पे खड़ा हो जाओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ किया नहीं है, करोगे, खड़े हो जाओ। अब आप ऊपर की तरफ कूदो। कहाँ गया? किधर गया? सर, मैं यहाँ हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ऊपर गया था ना? बैठो बैठो। हम इंसानों का एक दोस्त होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ये हमें कस के पकड़ के रखती है, ना गिरने देती है ना उड़ने देती है। जैसे ये किताब ना गिर रही है ना उड़ रही है, समझे? फिर सर, ये जो चांद, सितारे और दूसरे ग्रह है, ये सब नीचे क्यों नहीं गिरते? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्या होता है कि ये बॉल स्थिर है, ये अपने आप से बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। मैं ए और ये बी, मैं इस बॉल को अब फेंकूंगा। कैच, वेरी नाइस। अभी क्या हुआ, इस पूरी क्लास के अंदर ये बॉल किसी और के पास नहीं गया, रतन के पास क्यों गया? क्योंकि आपने मेरी तरफ फेंका। वेरी नाइस। अभी क्या हुआ कि मैंने ताकत लगाकर इस बॉल को एक निर्धारित दिशा में फेंका। एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी चीज अपने आप से 1 इंच भी नहीं हिल सकती जब तक बाहर की कोई ताकत आकर उस पर अपना प्रभाव ना लगाए। ये है न्यूटन का पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, समझे? यस सर। वेरी गुड। चार ही गोली बची है हमारे पास। अगर गोली के लिए हमें पैसे नहीं मिले तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चिरू, गोपी, तुम लोग जाओ और किसी भी तरह पैसे निकलवाओ उस मास्टर से। जाओ। मास्टर जी, चुपचाप स्कूल के आंगन में आके पैसा हमारे हवाले कर दो। भाई सुनो तो सही, आप सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात। बाहर आके सुनाना, पहले पैसा हमें दे दो, हम स्कूल के आंगन में आपका इंतजार कर रहे हैं। मृणाल सर, सर आप परेशान लग रहे हैं। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। सर आप ठीक नहीं लग रहे हैं। ALG आसाम लिबरेशन ग्रुप। हाँ, आसाम लिबरेशन ग्रुप कंपाउंड में वो लोग मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे। पता नहीं वो मुझे क्यों निशाना बना रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे लग रहा है कुछ गलत फहमी हुई है। वो कह रहे अगर मैं बाहर नहीं आया तो वो मेरे पूरी फैमिली को मार देंगे। क्यों? आप हिम्मत मत हारिए, मैं बात करता हूं। पैसा कहाँ है? देखिए दो मिनट बात करते हैं हम लोग। पहले पैसा दो, पैसा कहाँ है? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, पैसा नहीं है। गलत फहमी तुझे हुई है मिनल मास्टर। देखिए मेरी देखो, हम लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपया चाहिए। जिसके पास जितना पैसा है वो सब लेके आ जाए, नहीं तो हम सबको खत्म कर देंगे। हमारे पास ग्रेनेड भी है, सबको उड़ा दे लेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। सुमित, सुमित, पुलिस, अरे कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। फॉरन एम्बुलेंस को बुलाओ। किधर गए? वो लोग जंगल की ओर भागे ऑफिसर, और उनके पीछे पीछे हमारे दो स्टूडेंट्स रोतन और अरविंदो, वे लोग भी पीछे भागे। एक एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पर तैनात करो, मैं नागेश और चेतन को लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। कम ऑन फास्ट, गो अप। बेटा तुम ठीक हो ना? ये तो दो थे, एक वहां डर के भाग गया। पकड़ो साले को, छोड़ना मत। और यहाँ पर लाने से पहला इनका मौत हो चुका है। वर्षीय साइंस टीचर सुमित बरुआ अपने एक कलीग की तरफ से अलगाववादियों से बात करने गया था, पर उन्होंने सुमित की हत्या कर दी। सुमित अपने स्कूल का बेहद पॉपुलर टीचर था, स्टूडेंट उससे बहुत प्यार करते थे। स्कूल के दो बच्चों अरविंद और रतन के लिए वो हीरो था, रोल मॉडल था। उनसे अपने प्रिय सुमित सर की हत्या देखी नहीं गई। इन दोनों स्कूल छात्रों ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए उन दोनों अलगाववादियों का जंगल में पीछा किया और उनमें से एक अलगाववादी को धर भी लिया। इस पकड़े गए अलगाववादी ने पुलिस के सामने अपने गिरोह के कई राज खोले। वो हमारी प्लाटून बहादुर फौजियों की होती है। तुम साले कायर आतंकवादी हो। तुम्हारा क्या होता है? गैंग होता है। क्या होता है? गैंग होता है। बोल कहाँ छुपे हैं? जंगल के अंदर 20 किलोमीटर। आकर्म वो ज्यादा दूर तक नहीं गए। चलो हमारे फॉर्मेशंस लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके दो मेंबर्स पकड़े गए हैं, लेकिन बाकी के टेररिस्ट जंगल के और अंदर तक जा चुके हैं। सर अंदर तड़पेंगे, कब तक रह पाएंगे अंदर? चाहे जितना भी अंदर चले जाएं, हम साये की तरह उनका पीछा करेंगे। बाय द वे उस पकड़े हुए आदमी ने कुछ कहा? उसके सरदार का नाम सोपन बरुआ है। सोपन बरुआ, ये नाम तो हमारे इंटेलिजेंस के रडार पे भी है। फिलहाल हमने स्कूल को कवर प्रोवाइड कर दिया है, हम लोग पूरी तैयारी में।
पता नहीं क्यों ऑफिसर, वे लोग हमारे स्पोर्ट्स टीचर मृणाल बंबा चौधरी से इतने पैसे क्यों मांग रहे थे? अरे सुमित तो उन्हें सिर्फ बताने गया था कि उनको किसी तरह की गलतफहमी हुई है, एंड दे शॉट हिम, सीधे गोली मार दी। देखिए प्रिंसिपल साहब, आपके वो दो स्टूडेंट्स काफी बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन अब उन दोनों की लाइफ को काफी खतरा है। ओह माय गॉड। देखिए इन टेररिस्ट की खबरी गांव-गांव में मौजूद है और सोपन बरुआ का गैंग इन दोनों लड़कों पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतारने की कोशिश करेगा। तो फिर ऑफिसर आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? देखिए हम उन दोनों लड़कों को अपने साथ अपने बेस कैंप ले जाएंगे, वहीं उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से गारंटीड है। वेरी गुड। और इनकी फैमिलीज को भी समझाना होगा प्रिंसिपल, दिस इज वेरी सीरियस। ओके। आपके बेस में हमारे लड़के लोग क्यों रहेंगे साहब? साहब इन्हें यहाँ अपने ही गांव में सुरक्षा नहीं मिल सकता क्या? देखिए आपके लड़कों ने एक खतरनाक आतंकवादी गुट के मेंबर को पकड़कर हमारे हवाले किया है और अब वो लोग इन दोनों लड़कों के खून के प्यासे होंगे। हमारे लिए इन दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बेस कैंप ही सबसे बेस्ट रहेगा एटलीस्ट कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए? कितने समय के लिए साहब? देखिए जब तक हमें ये ना लगे कि ये दोनों अब वापस घर आ सकते हैं। लेकिन साहब इनका स्कूल? अर्नब जी, मलाया जी, आपके लड़कों ने आपका, देश का, स्कूल का, असम का, सबका सर ऊंचा किया। उन्होंने जो किया है वो रोज रोज नहीं होता और हम जानते हैं कि वो दोनों अभी बच्चे हैं, उनका घर है, स्कूल है, सब कुछ है, लेकिन एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, स्कूल मिस करना होगा। क्या बात करते हैं साहब, परीक्षा सर पर है, इनका तो पूरा साल खराब हो जाएगा। जी नहीं होगा, मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है, ये लोग वापस आकर अपनी सारी परीक्षाएं दे पाएंगे। मतलब आप इन्हें वहां पर लंबे समय तक रहने के लिए लेके जाना चाहते हैं? आप भी तो अपने बच्चों की एक लंबी उम्र चाहते हैं ना, तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बेटा अपना ख्याल रखना, कोई जोखिम वाला काम नहीं करना, ठीक है? फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। एक मशवरा है आप दोनों परिवारों के लिए और पूरे गांव के लिए, आप सब लोग अपनी जबान पर ताला लगा के रखेंगे, कोई भी इन दोनों लड़कों के बारे में, इस किस्से के बारे में या किसी भी चीज के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। समय बहुत खराब चल रहा है, कोई किसी का नहीं है, ठीक है? अलगाववादियों और शस्त्र बलों के बीच मुठभेड़ जारी रही, कुछ लोग मारे गए, कुछ पकड़े गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच उनका खौफ कम नहीं हुआ, उनकी धमकियां अक्सर सच हो जाती थी। इन दोनों स्कूल बॉयज अरविंद और रतन की जान को खतरा एक कड़वा सच था। इन दोनों टीनेजर्स की जिंदगी मानो एक वन वे स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी जहां हर कदम पर एक रेड सिग्नल था। मैंने तो सुना जंगल में 5-6 किलोमीटर तक दौड़कर उन दोनों लड़कों ने उन लोगों का पीछा किया। राडुटा कौन क्लास में पहुंचिल है? नहीं दादा, हमको ये सब नहीं पता। नाम तो पता होगा दादा। जब फौजी यहाँ आई थी तब आप कहाँ थे या नहीं थे कि? नहीं था। क्यों, क्या हुआ? अरे अगर आप उन दोनों बच्चों का नाम भी लिया ना तो दाई दाई फौजी आपको गोली मार देगी। मतलब लड़के फौजियों की हिरासत में हैं, उनके कैंप में? क्यों? नहीं दादा, हमको वो सब नहीं पता।
यार अरविंद, मैं थक गया हूँ। और मैं भी। मेजर साहब से बात करूँ? एक महीना हो गया हमें आए। I understand boys कि ये माहौल तुम्हारे लिए एकदम अलग है, लेकिन वो अब तक तुम लोगों के लिए घात लगाए बैठे हैं। हम लोग उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कुछ दिन तक और चलेगी। घर की याद आ रही है। माँ देवता, कितना समय हो गया, देखा तक नहीं उन्हें। देखो बॉयस, मजबूत बनना पड़ेगा, हमारे जवानों की तरह। वो भी तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए 6-6 महीना दूर रहते हैं अपने परिवारों से। सर, क्या हमारे माओ देवता यहाँ कर रह सकते हैं? देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, ये एक ट्रांजिट कैंप है, यहाँ पे फैमिलीज रह सकती हैं। नहीं ना, तो कम से कम उन्हें यहाँ कभी कभी मिलने बुलवा दीजिए सर, या हमें वहाँ लेकर चलिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। मैं करा दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद। अभी इस वक्त उनके खबरियों का नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, कोई भी मूवमेंट तुम्हारी अपने गांव की तरफ या अपने माँ बाप की तरफ तुरंत रिपोर्ट होगी, और इससे तुम्हारे परिवार पर भी खतरा पड़ सकता है। दो महीने हो गए, रतन की कोई खबर नहीं। मेरी फौजियों से बात हुई थी पारमिता, वो कह रहे थे कि अभी ठीक समय नहीं है उन्हें घर भेजने का, पता नहीं क्या होगा। नमस्कार मलोड़ा। नमस्कार, नमस्कार मलोड़ा। ये तुम्हारा लड़का अरविंद दिखाई नहीं दे रहा है बहुत दिनों से। उसे हम गुवाहाटी भेजा है पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गुवाहाटी में कहाँ? बड़ा स्कूल है ना, कबनिट। अच्छा अच्छा, और अपने ये अर्नब बाबू का लड़का रतन, वो भी गया है क्या तुम्हारे बेटे के साथ गुवाहाटी? नहीं नहीं, वो तो अकेला गया है, उसका मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे ना, अब दिखाई नहीं दे रहे बहुत दिनों से। चलिए चलता हूँ मलोदा। रेस लगाते हैं। नहीं यार, मन नहीं कर रहा है। सन 2004 खत्म हुआ और 2005 शुरू हुआ। अलगाववादियों और सुरक्षा बलों के बीच में घमासान लड़ाई जारी थी। ये अलग अलग ग्रुप्स बिखरने लगे, फूटने लगे। आखिरकार बहुत सारी अलगाववादी गतिविधियां कम होती गई। कई अलगाववादियों ने मौत से आंख मिचोली से हताश होकर सरेंडर कर दिया। ये नौजवान दोबारा से नॉर्मल जिंदगी जीना चाह रहे थे, और इस सब की वजह से अरविंद और रतन के लिए भी अपने अपने घर जाने का समय आ गया। ओए रोंद्रू, अच्छे से देख लिया अपना कंपास बॉक्स, सारी की सारी चीजें वहीं हैं, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई है, समझा? ए रतन, खूब अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? और अरविंद, हम सभी टीचर्स और बोर्ड ये जानते हैं कि तुम लोगों पे क्या बीती है। इतने दिनों से स्कूल से बाहर रहना, पढ़ाई के बिना रहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बेटे आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे। इसलिए हम स्कूल वालों ने ये फैसला लिया है कि तुम दोनों के लिए दोबारा से एग्जाम लिया जाए, लेकिन हाँ, एग्जाम्स तुम दोनों को पास करने पड़ेंगे।
सॉरी बच्चों, तुम दोनों फेल हो गए। सर हमें एक और चांस दीजिए, हम पूरा क्लियर कर लेंगे। आप हमारी हालत जानते हैं, मिलिट्री के कैंप में से ठीक से पढ़ ही नहीं पाए। सर अभी घर लौटे, थोड़ा टाइम चाहिए, हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, आपको पास होकर दिखाएंगे सर। ठीक है, तुम दोनों को मैं एक और चांस देता हूँ, वैसे भी तुम दोनों का एक और चांस तो बनता ही है। थैंक यू सर। अच्छा लगता है बेटा तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देखकर, इतनी पढ़ाई करते हुए देखकर। देवता कुछ किताबें चाहिए, कुछ गाइड्स भी खरीदनी होंगी। हाँ हाँ, कितना खर्चा हो जाएगा? आराम से पास हो जाएगी। कुछ बोल नहीं सकते यार अरविंद, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? पता नहीं, बस डर लगता है। ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये लोगों ने हमारे पास फॉर्म भेजे थे ये दोनों बच्चों के लिए, रतन और अरविंद के लिए, और मैंने भरकर भेज दिया था। ये सोचा कि क्या पता हो सकता है कि इन दोनों बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर लिया जाए। और खुशी की बात यह है कि हमारे दोनों बहादुर बच्चों को नॉमिनेट कर लिया गया। दिल्ली बुलाया इन दोनों को, प्रधानमंत्री अपने हाथ से इन दोनों को पुरस्कृत करेंगे, और फिर ये दोनों बच्चे, बल्कि सभी बच्चे राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, और फिर सभी बच्चे 26 जनवरी के दिन परेड में भी शामिल होंगे राजपथ पर। गांव वालों, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे गांव का कोई सदस्य को इतना बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है। अरविंद और रतन ये दोनों दिल्ली जा रहे हैं बहादुरी पुरस्कार में समारोह में हिस्सा लेने, और प्रधानमंत्री इनको पुरस्कार प्रदान करेगा, और ये राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। वाह बच्चों वाह, तुम दोनों ने ना इस गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत प्रेम करते हैं। आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला, उनकी लाश स्कूल के कंपाउंड में पड़ी देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने उनका पीछा किया। 13 साल के रतन और 15 साल के अरविंद, इन दोनों बच्चों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और सशस्त्र आतंकवादियों का पीछा किया, और उन दो दरिंदों में से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
रतन विश्वास और अरविंद दास, डाकुआपारा गांव, जिला कामरूप, आसाम। साहब जी आ गए, आप दोनों को अंदर बुलाएं, आइए। आप दोनों हमसे चाहते क्या हो? हमें नौकरियां चाहिए सर। कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी सर, बस परमानेंट हो। हम जान लड़ाकर काम करेंगे सर। मैं कोई उद्योगपति या किसी सरकारी नौकरी का ठेकेदार तो हूँ नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं आपका नाम रिकमेंड कर सकता हूँ। आप एक शब्द भी कहेंगे तो हमें कोई भी नौकरी दे देगा। आप हमारे जिले के राजा से कम नहीं सर। बस बस, ये राजा बाजा दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और मैं जनता का नौकर, अगर मैं राजा की तरह बर्ताव करूंगा तो हमारी पब्लिक कहेगी देखो इलेक्शन जीतवा दिया, अब अपनी मनमानी कर रहा है। सर हम कोई कलेक्टर या एसपी का पोस्ट नहीं मांग रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा जॉब चल जाएगा सर। सर बहुत तंगी है, कुछ तो करवा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, सरकार को रिकमेंडेशन भेज दूंगा। तुम दोनों अपनी डिटेल मेरे सेक्रेटरी को दे दो। धन्यवाद सर। सर हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे सर। अरे रुको रुको, अभी तक कोई एहसान हुआ नहीं है और होने की गारंटी भी नहीं है। रिकमेंडेशन पास होगा तब होगा, तब तक कोई गारंटी नहीं, ये बात दोनों अच्छे से समझ लो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। रतन विश्वास और अरविंद दास। सर 2005 में मेडल मिला था हमें। बार बार मेडल मिला था ये क्या लगा के रखा है? अरे केंद्र सरकार ने मेडल के साथ साथ 10,000 रुपया दिया था और राज्य सरकार ने 5,000 रुपये, उसका तो कहीं भी जिक्र नहीं करते हो तुम लोग। एक आतंकवादी को पकड़ क्या लिए तुम लोग सरकार के यहाँ घर जमाई बनना चाहता है? आरती उतारू मैं तुम्हारी, गोद में बिठा कर खिलाऊं? कचहरी बाबू ऐसा नहीं है। तो कैसा है, इसका मतलब क्या हुआ? हर वक्त पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह मेडल जीता था, बहादुरी का काम क्या, ये क्या वो क्या, घिसते रहते हो, रगड़ते रहते हो, गाते रहते हो। अरे चुप। अरे हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के मिलिट्री दिन रात आतंकवादी को पकड़ते हैं, उनको मार गिराते हैं, वो तो नहीं घूमते मदद मांगते हुए कि सर ये रहे हमारे मेडल्स, ये रहे हमारे सर्टिफिकेट, वो तो नहीं बोलते कि हम स्पेशल है, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। अरे कहां 6 साल पहले गलती से एक आतंकवादी को पकड़ लिए, जिंदगी भर उसी का मेवा खाना चाहते हो? तब से लेकर अब तक एक उंगली नहीं उठाई तुम लोगों ने कुछ कर दिखाने के लिए। मेरा बेटा सुमित अब तुम्हारे अंदर जीता है, आओ गले लग जाओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पास आओ। रतन और अरविंद तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, तुम दोनों ने काफी कुछ भुगता है और इसीलिए ये स्कूल, खासकर मैंने तुम दोनों को दूसरी बार और तीसरी बार एग्जाम में बैठने का मौका दिया। लेकिन अफसोस तुम लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। ये एग्जाम एजुकेशन सिस्टम की एक अहम मांग है जिसे हर बच्चे को पास करना होता है, मगर तुम दोनों इस बार भी फेल हो गए। सर सच कह रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर पता नहीं क्यों ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, बुक्स खरीदने के भी पैसे नहीं है। सुमित सर जब तक थे तब तक हमारे नंबर अच्छे आते थे, पर जब से वो गए तब से हमारे दिमाग काम ही नहीं कर रहा सर। देखो बच्चों, तुम लोग सच्चाई को समझने की कोशिश करो
क्योंकि ये स्कूल तो अब तुम्हें चांस देने से रहा और मुझे नहीं लगता कि कोई और स्कूल भी तुम्हें चांस देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग कुछ और काम सीखो, कुछ और करो, क्योंकि रेगुलर स्कूल तो शायद। बहादुरी पुरस्कार के साथ जो भी धनराशि मिली थी अरविंद और रतन ने उसे अपनी पढ़ाई पर खर्च कर दिया, किताबें, गाइड्स, एग्जाम फॉर्म्स वगैरह पर। इन दोनों के परिवार वाले भी इनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। एनजीओ से मिली छोटी रकम को भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। लेकिन रतन और अरविंद फिर से वही जिज्ञासु और उत्साही स्टूडेंट्स नहीं बन पा रहे थे जो वो अपने सुमित सर के साथ हुआ करते थे। अब ये दोनों लड़के जिंदगी के पहाड़ को ताक रहे थे। ये चढ़ाई अब एक बहुत घमासान लड़ाई होने वाली थी। ए रतन, कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, चलो बंद करो किताबें, कोई दूसरा काम शुरू करो। लेकिन देवता। अरे क्या तेरा लेकिन वेकिन रे, हैं? तेरी पढ़ाई के लिए किताबें कहां से आएंगी, कहां से हम इतना खर्चा उठाएंगे? देख बेटा, अब तुझे हाथ पैर मारना होगा, जिंदगी के समंदर में तैरना होगा, समझ गया बेटा? देख अरविंद, तुमने जान लड़ा दी पढ़ाई के लिए, पूरा कोशिश किया। हाँ देवता। बस अब आगे बढ़ेंगे, तू समझदार है, देख सकता है अब मुझसे अकेला ये घर संभाला नहीं जाता है, एक से भले दो, दो हाथों से भले चार, दिल छोटा ना कर। तुमने और रतन ने बहुत बहादुरी का काम किया, मेडल वेडल सब अच्छा चीज है, पर रोजी रोटी कमाना भी बहादुरी का काम है, इससे मेडल तो नहीं मिलता है, भूख तो मिटती है, छत तो मिलता है। फ्रेंकली मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि अपने आप के लिए खेलने का मतलब क्या होता है। मैं तो सिर्फ टीम के लिए खेलता हूँ, मेरा मकसद तो सिर्फ देश के लिए खेलना होता है, देश के रिकॉर्ड्स के लिए होता है, मेरी रिकॉर्ड्स पर कभी नजर नहीं होती, मैं बस देश को जिताना चाहता हूँ। अरुण, आप देश के लाखों बच्चों के रोल मॉडल हैं और वो सभी चाहते हैं कि वो आपकी तरह खेलें, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखी, उन्हें विकेट्स, बाउंड्रीज दिखनी चाहिए, एंडोर्समेंट्स, पैसा, नाम, ये सब बात की चीजें, वो सिर्फ कंट्री के लिए खेले, लीडर होकर खेले। भैया, चल रहा है यार, बस घर पर टेंशन रहती है, काम नहीं, पैसा नहीं। मेरे घर नया टेंशन है, अब बोल रहे हैं उम्र हो गई, शादी कर लो। इतने पैसे कमा लेते, अब तक तो आ जानी चाहिए। चिट्ठी आई क्या डाक बाबू? नहीं, अभी आई नहीं है तुम्हारी चिट्ठी। पर चिट्ठी लिखे अब एक महीना हो गया। दिल्ली बहुत दूर है ना, तुम तो जानते ही हो, गए थे ना मेडल लेने, तब तो छोटे थे। हाँ, अब बड़े हो गए हो, देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिट्ठी जैसे ही आएगी भिजवा देंगे हम, पोस्टमैन तुम दोनों का घर अच्छी तरह से जानता है, मेडल मिला था ना तुमको, चिट्ठी भी तुम्ही को मिलेगी। सच कहूँ तो 10 में से 9 लोग तुम्हारी तरह ऐसे आतंकवादी का पीछा नहीं करते। अब तुम जोश में थे, होश में थे, क्या थे ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसे जोखिम में डालना, वो भी तब जब सामने वाले के हाथ में बंदूक था, भाई इसमें बहादुरी कितनी और बेवकूफ़ी कितनी ये तो वाकई हमको नहीं पता। भाई बुरा मत मानना, बस ऐसे ही कहने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अरे आपकी बात का क्या बुरा मानना काका, शायद आप सही कह रहे हैं, हम होश में थे या बेहोश थे, पता नहीं क्या कर रहे थे इस वक्त, हमने सही किया गलत किया ये बारे में सोच के दिमाग सुन्न पड़ जाता है, उस वक्त जो लगा वो किया, तब तो उसके बाद सीधा मिलिट्री कैंप में थे कई महीनों तक। इतने दिन वहां रहे और वहां से बाहर आए तो हम दोनों हमेशा के लिए बदल से गए, नहीं रहते, कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ में ये दिन भी आएगा। अच्छा, जब इतने समय से तुम लोग मिलिट्री कैंप में रहे हो तो वहीं जाकर क्यों नहीं नौकरी वाकरी मांग लेते? क्रिकेट द्वारा देश की शान बढ़ाने के लिए
भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन कहलाने वाले अरुण बत्रा को आज भारतीय सेना ने ऑनरेरी मेजर के खिताब से पुरस्कृत किया। ये खुशी मैं आज बयान नहीं कर सकता। ये पोस्ट, ये यूनिफॉर्म मेरे बचपन का सपना था जो आज सच हुआ है। आई लव माय इंडिया। मैं आप लोगों के केस से वाकिफ हूँ। आप लोगों को तो फौज में होना चाहिए। थैंक यू सर। सर आप ही कुछ कर सकते हैं। जो भी करना है आप दोनों को करना है। आर्मी की जॉब के लिए कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट देना पड़ता है, एग्जाम होते हैं। हम तैयार हैं सर। हम सब टेस्ट दे देंगे सर, बस एक मौका मिलना चाहिए। जरूर, गिव योर बेस्ट शॉट। लेकिन इस साल तो एग्जाम की डेट निकल चुकी है, अभी आप लोगों को अगले साल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? वहाँ काम जरूर मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है, अगले साल फॉर्म निकलते ही भर दूंगा। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फौज में जवान की तनख्वाह भी अच्छी होती है और शायद रहने को घर भी मिल जाएगा। अरे माँ, बहुत लोग काम करते हैं वहाँ पे। मैंने और रतन ने वहाँ 4 महीने काटे, सब जानते हैं वहाँ कैसे चलता है। हमें तो वो जरूर ले लेंगे। तुम दोनों ने फौजी नौकरी के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। वैसे काम भी तो तुम लोगों ने फौजियों जैसा ही किया था। तुम जैसे बहादुरों की जरूरत फौज में है। हाँ देवता, हम लोगों को पहले ही अप्लाई कर देना था आर्मी में। चलो देर से पर दुरुस्त। सुमित बरुआ, रतन और अरविंद का प्रिय साइंस टीचर किसी दूसरे टीचर के हित में अलगाववादियों से समझौता करने गया था। सुमित एक सरकारी नौकरी में था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रदान की गई। उसकी विधवा और परिवार वालों के लिए हर महीने पेंशन की व्यवस्था की गई। सुमित के हत्यारों को पकड़ने वाले अरविंद और रतन अपने लिए एक स्टेबल जिंदगी बनाने की हर कोशिश कर रहे थे। कोई भी स्टूडेंट जिसे ब्रेवरी अवार्ड मिलता है उसे कुछ कंसेशन दिए जाते हैं। ग्रेजुएट होने तक पूरी एजुकेशन स्पॉन्सर की जाती है। देश भर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में उनके लिए रिजर्वेशन होती हैं। किसी भी क्षेत्र में पढ़ने के लिए उनकी सहायता की जाती है। साल 2011 में अरविंद और रतन को ब्रेवरी अवार्ड मिले हुए 6 साल हो चुके थे। उन्होंने आर्मी में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया। कब आ रहा है बुलावा? बोले 1 हफ्ते में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। अब हो गया ना फल मीठा। हा? भाई मेरी तरफ से तुम लोगों को लक बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। हाँ हाँ वही, बेस्ट ऑफ लक। अब नैया पार हो जाए तुम लोगों की बस। क्या हुआ, क्या लिखा है? बताता क्यों नहीं है? इतने सालों के बाद तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। बैठो। देखो ऐसा है कि हमारी फोर्स की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिजिकल, मेंटल, सब कुछ। तुम दोनों ने वो सारे टेस्ट दिए, नंबर कम पड़ गए, सिलेक्ट नहीं हुए। अब इस फैसले को मैं तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता। सर हमने खाली हाथों एक आतंकवादी को पकड़ा था, वो भी बचपन में। सर हमें फौजी बनाइए, हम कमाल करके दिखाएंगे सर। अब मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं कि जो तुमने सालों पहले किया था वो एक जुनून में किया था। उस वक्त के अरविंद और रतन और आज के अरविंद और रतन में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है सर, बताइए भी तो सर। तो सुनो फिर,
ये वो फाइल है जिसमें तुम्हारे रिजेक्ट होने के कारण है। मैंने अच्छी तरह से पढ़ी है, तुम रतन अपने फिटनेस के एग्जाम में फेल कर गए और तुम्हारी फिटनेस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तुम अरविंद पूरे 4 इंच कम पड़ गए, आर्मी की मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट से पूरे 4 इंच कम हो तुम। देखो मुझे तुम दोनों के साथ पूरी सहानुभूति है, मगर फौज में तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ताकत, पावर, कहां से आती है इंसान में ये ताकत? इंसान के शरीर से नहीं, हाथ में पकड़े हथियार से नहीं, ताकत आती है इंसान के दिमाग से, इंसान के उस नजरिए से। और अगर आप में वो हौसला, वो विश्वास है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ताकत और हिम्मत इंसान की वो पहचान है जिससे वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए किसी भी माहौल में डटकर खड़े हो सके। मैंने तुम दोनों के सारे डिटेल्स नोट कर लिए हैं और अब मैं इसे आगे भी बढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात और, जब तक तुम दोनों को हमारे यहां से या कहीं दूसरे जगह से बुलावा ना आए तो यहां आके खड़ा मत हो जाना, अच्छा नहीं लगता, समझे? जाओ। रतन और अरविंद की कहानी प्रिंट मीडिया ने साल 2012 में उठाई। ये दुखद कहानी हमारे समाज को आईना दिखा रही थी। इन दोनों बच्चों ने अद्भुत बहादुरी का प्रमाण दिया था। इन दोनों को पौधों की तरह से सींचकर एक मजबूत पेड़ बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने जो किया वो सारे देश के युवाओं के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी मिसाल कायम करने वाले युवकों के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें मदद का वो हाथ मिलना चाहिए जो उन्हें एक मजबूत और आदर्श नागरिक बनाएगा। हेलो, ये ICCW गुवाहाटी का ऑफिस है? यस। मैम, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात करनी थी। कौन सा केस? ये 2005 का केस है, रतन विश्वास और अरविंद दास। मैम, ये दकुआपारा आसाम का केस है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। रतन और अरविंद ने एक बहुत बहादुरी का काम किया था। हाँ हाँ हाँ, शायद सुना है मैंने। उनके बारे में क्या बात करना है? मैम, तब वे बच्चे थे और अब 7 साल बाद उनकी उम्र 22-23 साल की हो चुकी है और उनकी हालत काफी खस्ता है। और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, ICCW सभी ब्रेवरी अवार्ड विजेताओं की एजुकेशन और ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए काफी सक्रिय है। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि इन दोनों के लिए भी कुछ किया जाए। रतन विश्वास और अरविंद दास। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ, मुझे उन दोनों के रिकॉर्ड चेक कर लेने दो। अगर हमारी तरफ से कोई खामियां रह गई है तो मैं उन्हें जरूर रेक्टिफाई करवा दूंगी। थैंक यू मैम। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा आज का एक केस आसाम के कामरूप जिले के डाकुआपाड़ा गांव के इन दो युवकों की जिंदगी पर आधारित है, रतुल और ऋतुपर्णा। रतुल और ऋतुपर्णा की दास्ता हमें प्रिंट मीडिया के एक न्यूज आर्टिकल से पता चली और हमने ये बात ICCW के आसाम स्टेट ब्रांच के अधिकारियों के सामने रखी। ICCW आसाम से रतुल और ऋतुपर्णा को हालांकि हम ही लोगों ने नॉमिनेट किया था ब्रेवरी अवार्ड के लिए, पर पहले हम लोगों ने ये कोशिश किया था उन लोगों को उन लोगों से मिलने की, कांटेक्ट करने की, पर कुछ लैप्सेस हमारी तरफ से ऐसी हो गई हैं कि कांटेक्ट नंबर नहीं मिला और जब हम लोग चाह रहे थे तो उनसे मिले नहीं, तो उनको कुछ सहायता नहीं कर पाए। ICCW के आसाम स्टेट ब्रांच के अधिकारियों ने बहुत ही खेद व्यक्त करते हुए और अपनी भूल सुधारते हुए रतुल और ऋतुपर्णा को ICCW के गुवाहाटी ऑफिस में बुलवाया और आश्वासन दिया कि उन दोनों को अपनी जिंदगी में कुछ करने का और आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। रतुल और ऋतुपर्णा, आप दोनों का फॉर्म भर लिया है मैंने,
और आप लोगों का पेपर्स भी चेक कर लिया है और आप लोगों को जितनी हो सके आप लोगों के क्वालिफिकेशंस के मुताबिक अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग आप लोगों को चीफ मिनिस्टर से भी मिलवाएंगे और गवर्नर साहब से भी मिलवाएंगे और जितना हो सके हम लोग करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम बहुत खुश हैं क्योंकि ICCW की तरफ से हमको हेल्प मिलने वाली है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमको कोई एक सरकारी नौकरी मिले और हम अपने फैमिली के भविष्य के बारे में अच्छा काम कर सकते हैं और देश के भी सेवा कर सकते हैं। क्राइम पेट्रोल को ICCW असम की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनके वजह से ही फिर से हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम रातुल और ऋतुपर्णा से मिले और अभी तो हमारी रिस्पांसिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं कि हम उनको अच्छी से अच्छी जॉब दिलवाएं। हमने तो ठान ही ली है ICCW असम से कि हम लोग उसके लिए जो भी बन पड़े हमसे हम करेंगे। अच्छी बात है, हिम्मत वालों के लिए देर है अंधेर नहीं। हमें विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि ये दो नौजवान जो पिछले 7 सालों से नाउम्मीदी की दीवार पर अपना सर पटक रहे थे अब इनके साथ ऐसा नहीं होगा। इन्हें नई दिशा मिली है, अवसर मिला है और ये उसका लाभ उठाकर अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटी की खिड़की हर इंसान को मिलनी चाहिए। अब वो इस खिड़की से बाहर निकलकर आसमान छूता है, एक दो पायदान चढ़ता है या फिर नीचे गिरता है, ये हर एक की अपनी कैपेसिटी है, अपना हार्डवर्क है और शायद थोड़ा सा हिस्सा किस्मत का भी है। लेकिन अवसर मिलना किस्मत नहीं होना चाहिए, ये एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। देश के लिए जीता गया कोई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप या कल्चरल अवार्ड और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेल कर किसी अलगाववादी को पकड़ना, इन दोनों में अंतर करना बहुत बड़ा अन्याय है। अलगाववादियों के खिलाफ लड़ने वाले आम नागरिक भी उतने ही बड़े हीरो हैं जितने की ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले और क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाने वाले। आज युवा भारत के पास रोल मॉडल्स की कमी है और अगर हम ऋतुपर्णा और रतुल जैसे बहादुर लड़कों को हीरो बनाने की बजाय, उन्हें रोल मॉडल्स बनाने की बजाय कड़वाहट और गुमनामी के कुएं में डूबने देंगे तो फिर हम स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को किसके बारे में पढ़ाएंगे? वही 4 फ्रीडम फाइटर्स, वही 2 खिलाड़ी, एक डायरेक्टर, एक्टर या गायक? अगर हम अपने वर्तमान के हीरोज की सराहना नहीं करेंगे तो हम अपना नया भविष्य कैसे लिख पाएंगे? हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल्स कौन होंगे? क्राइम पेट्रोल की टीम ICCW यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की आसाम स्टेट ब्रांच को बहुत बहुत बधाई देती है कि उन्होंने आगे आकर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की गरिमा को बनाए रखने का जिम्मा लिया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।